हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा? सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन फंक्शन में, फंक्शन के अंदर नया टॉपिक। पहले आपको फिर बता चुके आ चुका हूँ कि फंक्शन क्या है क्या नहीं है, फिर एक बार हम रिकॉल कर रहे हैं। फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। जो फंक्शन होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं? एक ऐसा रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट, जिनमें सारे के सारे एलिमेंट्स की सिर्फ वन एंड ओनली वन इमेज होती है। ठीक है मेरे बच्चे? वन एंड हैव ओनली वन इमेज, मतलब हर एलिमेंट की एक इमेज तो जरूर होनी चाहिए। अगर उसकी कोई भी एक इमेज नहीं है तो वो फंक्शन नहीं होगा। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे? उस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। जैसे हम बात करते थे बच्चे, रिलेशन को आप डिनोट करते थे आज दैट ए टू बी, व्हाट मींस अदर, कि जो हमारा रिलेशन है वो ए टू बी है। ऐसे हम फंक्शन को डिनोट करते हैं बच्चे F such that A to B, that's clear? कि जो फंक्शन है वो A सेट का किसके साथ है? B सेट के साथ। इसी तरीके से हम रिलेशन को फंक्शन को भी क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे? अब हम आगे अगर हम बात करें कि भाई अगर हमारे पास ये कोई सेट है A और ये हमारे पास कोई सेट है B, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे? बागे बच्चे पास में, और मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो हमारे पास है कोई एक्स है, मान लिया। अब ये जो एक्स है, जो इसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? एफ एक्स। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे? मतलब अगर कहीं आप रख रहे हो एक्स तो क्या निकल के आ रहा है? एफ एक्स निकल के आ रहा है। और इस एफ एक्स को हम किस चीज से डिनोट कर रहे हैं बच्चे? वाई से। तो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो किसी फंक्शन को हम इस तरीके से भी क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। जहां पर वाई क्या बता रहे हैं कि भाई जैसे मैं एक्स की कोई वैल्यू रख लूं और वो निकल के क्या आ रही है, और वो रख किस में रहूं मैं? एफ एक्स में। तो आउटपुट क्या दे रहा है? वो मुझे एफ एक्स दे रहा है। दे रहा मेरे बच्चे? जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई y इज इक्वल टू मेरे पास fx है, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे? तो अगर मैं आपसे कहूं ये y इज इक्वल टू मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1 है, अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 रखा तो ये जो x स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये किसके इक्वल है? वो fx के। तो x की जो वैल्यू एंटर करूंगा वो किस में करूंगा मैं? fx में। तो इसलिए y इज इक्वल टू किसके बोला जाता है? fx के बोला जाता है। y क्या देता है? y हमारा हमेशा मान को क्या बताता है? आउटपुट बताता है। और एफ एक्स के अंदर हम किसकी वैल्यू रखते हैं? एक्स की वैल्यू रखते हैं। तो किसी भी फंक्शन को ऑलवेज हम डिनोट करते हैं वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो फंक्शन को ऑलवेज हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई आपको आउटपुट देता क्या रखेगा, और यहाँ पर जो एक्स है यहाँ पर एक्स की वैल्यू एंटर करी जाती है। एक्स की जो भी वैल्यू होगी, तो एक्स की वैल्यू एज ए किसका काम करती है मेरे बच्चे? डोमेन का। और वाई की वैल्यू किसका काम करती है मेरे बच्चे? आउटपुट का। या हम उसे कह सकते हैं कि वो किसका काम करती है मेरे बच्चे? रेंज का। दैट्स क्लियर? तो किसी भी फंक्शन को ऑलवेज कैसे डिनोट करते हैं? वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डिनोट कर जाता है। वो एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन हो, चाहे साइन एक्स हो, चाहे कोस एक्स हो, कुछ भी हो। अब समझना बच्चे बड़े ध्यान से। अभी जो ना, अब मैं आपको जो ना कुछ टाइप्स के थोड़े से फंक्शन से बता रहा हूं। जैसे मैं बात करूं मेरे बच्चे कि हमारे पास y इज इक्वल टू मैंने लिखा साइन एक्स, तो ये कैसा फंक्शन है? इट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है मेरे बच्चे? मैंने आपसे बोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये कैसा फंक्शन है मेरे बच्चे? पॉलिनोमियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे? जैसे मैंने आपसे बोला आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में 3x प्लस 5, कैसा फंक्शन है बच्चे? फ्रैक्शन में है ना, तो आप इसे क्या बोलेंगे आप? कैसा? रेशनल फंक्शन। कैसा? रेशनल फंक्शन। तो बच्चे ऐसे हमारे कुछ टाइप्स के क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं। और ऑलवेज फंक्शन को कैसे नोट करते हैं? वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ध्यान रखना मेरे बच्चे। और ये जो एफ सच दैट ए टू बी है, ये हमारा किस चीज को बताता है मेरे बच्चे? डोमेन को। और ये क्या बताता है? कि जो रेंज होगी वो इसके अंदर कहीं ना कहीं बिलोंग कर रही होगी। ठीक है मेरे बच्चे? दैट्स क्लियर? आगे मेरे बच्चे बात समझ में? तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अब हम कुछ टाइप्स के रियल फंक्शंस लेंगे। अब आपको कि भैया रियल फंक्शंस कौन से होते हैं? ऐसे फंक्शंस जिनकी डोमेन रियल नंबर होती है, उन फंक्शंस को बोलते हैं हम रियल फंक्शंस। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे? कौन से होते हैं रियल फंक्शंस? वो फंक्शंस जिनकी डोमेन रियल नंबर्स होती हैं, उन फंक्शंस को हम कैसा फंक्शंस बोलते हैं? रियल फंक्शंस बोलते हैं। तो अब हम कुछ रियल फंक्शंस लेंगे और उनके हम डोमेन रेंज और सब चीजें निकालना सीखेंगे। ठीक है बच्चे? अब समझ में आ गई कि ऑलवेज फंक्शन को किस चीज से डिनोट करते हैं? y = fx। मैं आपसे बोलूं x
एक्स है, तो एक्स की जो रेंज रही होगी वो इमेज रही होगी वो क्या रही होगी, एफ एक्स रही होगी, ठीक है मेरे बच्चे। अगर मैंने आपसे बोलता एक्स वन तो इसकी क्या रहती मेरे बच्चे, एफ एक्स वन। मैं आपसे बोलता एक्स टू तो इसकी इमेज क्या रहती, एफ एक्स टू। दैट्स क्लियर। आगे मेरे बच्चे कि एफ एक्स टू का मतलब है कि जो फंक्शन है वो किसका है, एक्स टू वेरिएबल का है। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे, आप इसे ये भी कह सकते हैं। तो इसीलिए अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर जो फंक्शन है वो किस वेरिएबल का है, एक्स वेरिएबल का, इसीलिए मैं इसको कैसे डिनोट कर रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डिनोट कर रहा हूँ। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे, बात समझ में आ गई। अगर मैं आपसे बोलता कि बच्चे वाई इज इक्वल टू, अगर मैं आपसे बोलता कि भाई वाई इज इक्वल टू मेरे पास है एफ, मेरे पास है एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स वन प्लस वन, तो आप इसे ये कह सकते हो कि वाई इज इक्वल टू क्या आपके पास एफ एक्स वन है। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। और ये किस चीज को डिनोट कर रहा है यहाँ पर, ये फंक्शन को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, फंक्शन को डिनोट कर रहा है। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। और फंक्शन को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, ऑलवेज वाई से डिनोट करते हैं। वाई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स होता है। दैट्स क्लियर बच्चे। तो अगर मैंने आपको कहीं भी डिनोट करा कि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब है कि वाई इज इक्वल टू कोई फंक्शन है और वो फंक्शन आपको एफ एक्स जो भी होगा वो आपको पता होगा। That's clear. तो इतना सा समझ में आ गया कि y is equal to fx कैसे हम बोलते हैं कैसे नहीं बोलते हैं। कि अगर मेरे पास कोई भी, अगर सपोज करो मेरे पास है ना x 5 है, तो आप इसको क्या बोलोगे, fx 5। तो जो फंक्शन होगा इसका वो क्या हो जाएगा, fx 5। और ऑलवेज हम उसको किस चीज से डिनोट कर देते हैं, y से डिनोट करते हैं। तो आप इसे ये भी कह सकते हैं y is equal to fx 5। तो y से ऑलवेज किसको डिनोट करते हैं, fx 5 से डिनोट करते हैं। ये जो x 5 है, यहां पर जो x 5 है ये किस चीज को डिनोट कर रहा है मेरे बच्चे, इसके डोमेन को डिनोट कर रहा है। जो y है वो किस चीज को डिनोट करता है, उसकी रेंज को डिनोट करता है कि उसकी रेंज क्या आएगी। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। इतनी सी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। अब हम इन कुछ फंक्शंस के, कुछ हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस होंगे, कैसे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, रेशनल फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। तो उन सब के हम क्या निकालना सीखेंगे, डोमेन निकालना सीखेंगे, रेंज निकालना सीखेंगे, अभी बात करते हैं, ठीक है बच्चे। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट। चलिए बच्चे, बेटा बात करते हैं कुछ हमारे रियल फंक्शंस और उनकी ग्राफ्स की, ठीक है बच्चे। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम लेते हैं, नंबर फर्स्ट है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। कौन सा बच्चे, आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब एक ऐसा फंक्शन, सपोज करना बच्चे एक ऐसा फंक्शन। आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम। व्हाट इज द मीन्स ऑफ द सेम, भाई अगर हमने x की कोई वैल्यू रखी 1 तो रिजल्ट भी क्या आया 1। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। जो इनपुट रख रहे हो वही आपके पास आउटपुट आ रहा है। तो दीज टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन। देखो बच्चे, मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास भी f सच दैट है r टू r, ठीक है बच्चे। r टू r मतलब डोमेन जो है वो मैं रियल नंबर ले रहा हूँ, क्योंकि भाई हमारे पास रियल फंक्शन कौन से, जिनकी डोमेन या तो रियल नंबर हो या उसका सबसेट हो, वो सारे के सारे फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं, रियल फंक्शन। तो मैं f सच दैट क्या ले रहा हूँ, रियल, और उसका जो हमारे पास उसकी जो रेंज आ रही होगी वो भी किसके अंदर आ रही होगी, रियल नंबर के अंदर आ रही होगी, ठीक है बच्चे। तो मैंने लिया f सच दैट r टू r। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कोई y इज इक्वल टू हमारे पास कोई क्या है, x है, क्या हमारे पास x, समझना बच्चे। y इज इक्वल टू मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, जो फंक्शन है वो एफ एक्स वो खुद इक्वल किसके है बच्चे, x के है। मतलब अगर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो आउटपुट भी 1 आएगा, x की वैल्यू 2 रखोगे तो आउटपुट भी 2 आएगा, x की वैल्यू 3 रखोगे तो आउटपुट भी क्या आ रहा है मेरे बच्चे, 3 आ रहा है। आप जरा बच्चे बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। तो हमारे ऐसा फंक्शन जिसमें हम इनपुट अगर वही रख रहे हैं तो आउटपुट भी अगर वही आ रहा है, दीज टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज क्या सा बच्चे, आइडेंटिटी फंक्शन। अब हम इसका क्या बनाने जा रहे हैं, ग्राफ बनाने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना बच्चे। अब आप कहोगे भाई कोई और फंक्शन लेना जो आइडेंटिटी हो, और कोई फंक्शन आइडेंटिटी ज्यादा नहीं होते हैं, यही हमारे पास एक फंक्शन है वाई इजिकल टू क्या एक्स। अगर मैं आपसे कोई दूसरा फंक्शन ले लूं वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, देखो ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं है मेरे बच्चे, अगर सपोज करो आपके पास ना ऐसे लिखा है भाई कोई फंक्शन है एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये कोई चीज लिखी हुई है, तो आप इसको ये कह सकते हो वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि आपको पीछे बता के आ चुका हूं कि वाई ऑलवेज इक्वल टू किसके होता है बच्चे, एफ एक्स के ही होता है, ठीक है। तो अब आप यहां पर एक्स की वैल्यू जरा बंद रखना, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, टू।
x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 5, तो क्या जो वैल्यू रख रहे हैं वही वैल्यू सेम आ रही है? नहीं ना। तो दीज टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनमें आप जो वैल्यू आप रख रहे हैं वही वैल्यू आपकी आउटपुट में आती है। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे? अब आगे बच्चन में मतलब सेम वैल्यू जिसे बोलते हैं, आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम। अब हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं बच्चे। ये हमने इसका क्या बनाया है, टेबल बनाई बच्चे। इसके अंदर हमने यहाँ पर ये क्या लिया x, यहाँ पर हमने क्या लिया y। x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू भी 1, 2 रखी तो 2, माइनस 1 रखी तो माइनस 1, ठीक है बच्चे। माइनस 2 रखी तो माइनस 2, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। माइनस 3 रखी तो माइनस 3 आ गया मेरे बच्चे इस तरीके से। अब जरा हम इसका ग्राफ बना रहे बच्चे, ग्राफ देखना इसके बड़े ध्यान से। तो कैसा होता है इसका ग्राफ, ये हमने क्या बनाया, कार्टेशियन प्लेन बनाया बच्चे। ये हमारे पास है कार्टेशियन प्लेन, इसके अंदर ये हमारे पास को क्या है x है, ये हमारे पास क्या है y, ये x डैश, ये y डैश, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये माइनस 1, ये माइनस 2, ये माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दैट्स क्लियर बच्चे। माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, आगे मेरे बच्चे बात समझ में। अब हम आगे बात करते हैं। अब देखना पहला पॉइंट आपका क्या है, 1,1, तो कहां पर आएगा बच्चे 1,1, ये आ गया, दैट्स क्लियर बच्चे। और उसके बाद अगर आप 0 भी रखोगे तो आउटपुट भी 0 ही आएगा। तो सपोज करो एक पॉइंट हमने 0,0 ले लिया, एक 2,2 ले लिया, एक -1,-1, एक -2,-2, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। ये हो गए पॉइंट्स। और जब मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो मेरे पास जो एक लाइन आई वो कैसे है मेरे बच्चे, की स्ट्रेट लाइन आई जो कहां से पास हो रही है, 0,0 से पास हो रही है, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये क्या है, ग्राफ है किसका मेरे बच्चे, आइडेंटिटी फंक्शन का। तो जो ग्राफ होता है आइडेंटिटी फंक्शन का वो कैसा होता है मेरे बच्चे, एक स्ट्रेट लाइन होता है जो किससे पास होती है, ओरिजिन से पास हो रही होती है, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। अब समझना, अब हम इसकी बात कर रहे हैं डोमेन की। इसकी बात कर रहे हैं हम, इसके डोमेन की बात कर रहे हैं, डोमेन, ठीक है बच्चे। डोमेन को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, डीएफ, डोमेन ऑफ फंक्शन, दैट्स क्लियर। तो डोमेन, आप इसमें x की वैल्यू क्या रख रहे थे, कुछ भी आप एंटर कर सकते थे, 1b, 2b, -1b, 1.2b, 1.3b, तो डोमेन क्या है, सारी वैल्यू एंटर कर सकते हो। तो डोमेन क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन का, r, r फॉर रियल नंबर्स, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। और जो रख रहे थे वही आउटपुट आ रहा था आपका। तो जो रेंज होती है आइडेंटिटी फंक्शन की वो भी क्या होती है मेरे बच्चे, r, दैट्स क्लियर, बासन में आ गई। तो डोमेन ऑफ रियल फंक्शन इज आर, एंड रेंज, रेंज मतलब आउटपुट जो चीज आ रही है मेरे बच्चे वो भी क्या है, आर, दैट्स क्लियर। तो डोमेन ऑफ रियल फंक्शन, डोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज रियल नंबर, एंड द डोमेन ऑफ आइडेंटिटी, रेंज ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज रियल नंबर, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। और जिसका ग्राफ होता है वो कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो फटाफट इसको बनाइए फिर आगे बात करते हैं। अब हम सेकंड टाइप देख रहे हैं बच्चे फंक्शन का। नंबर सेकंड है मेरे बच्चे, हमारे पास नंबर सेकंड है कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा है बच्चे, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन कौन सा होता है मेरे बच्चे, कांस्टेंट फंक्शन वो फंक्शन होता है कि जिसके अंदर आप डोमेन कुछ भी रख लो बट सेम वैल्यू ही बार बार आनी है। जैसे मैं आपसे कहूं मेरे बच्चे fx = 5 ले लिया ना, तो y is equal to, मैं क्या कह रहा हूँ, 5 कह रहा हूँ नहीं कह रहा बच्चे, तो क्या मैं इसे ये कह सकता हूँ, y is equal to 0x plus k5 कह सकता हूँ, नहीं कह सकता। अब आप इसके अंदर x की कुछ भी वैल्यू रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, -1 कुछ भी, तो बार बार क्या रहेगा, 5 ही तो रहेगा। तो दीज टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर नोन एज कांस्टेंट फंक्शन, जिसे हम कैसे नोट करते हैं, fx is equal to c या y is equal to c, वेयर c is equal to क्या होता है मेरे बच्चे, कोई भी एक कांस्टेंट होता है। c = क्या होता है, कोई भी एक कांस्टेंट होता है, ठीक है मेरे बच्चे। जहां इसमें मेरे पास f such that कैसा होता है मेरे बच्चे, r to r, तो जो डोमेन होती है वो क्या है, r है, और जो रेंज होगी वो किसके अंदर लाई कर रही है, वो भी r के अंदर लाई कर रही है। अब यार हम इसकी क्या बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं बच्चे, बड़े ध्यान से देखना। ये हमने बनाई इसकी टेबल, बड़े ध्यान से देखना बच्चे, क्या है हमारे पास, ये x, ये y, x की वैल्यू आप इसके अंदर क्या रख रहे हो, 0, वैल्यू क्या आ रही है, 5, 1, 5, -1, 5, 2, 5, 3, 5, ठीक है बच्चे, और -3 पे भी 5, किसी भी नंबर पे आप क्या रख रहे हो,
फाइव आ रही है, आ रही नहीं आ रही? तो दीज टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज कॉन्स्टेंट फंक्शन, जिसमें आप जो भी वैल्यू रख रहे हो बस एक ही वैल्यू निकल के आ रही है, चाहे आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, दीज टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज कॉन्स्टेंट फंक्शन। अब जरा बच्चे इसका ग्राफ देखिए बच्चे कैसा रहेगा कॉन्स्टेंट फंक्शन का। जैसे हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास जीरो है, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, ये माइनस वन, ये माइनस टू, ये माइनस थ्री, ये माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस वन, माइनस टू, ठीक है बच्चे, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। अब क्या था, जीरो पे भी क्या था फाइव, वन पे भी क्या है फाइव, और सब नंबरों पे क्या था फाइव, तो यही तो जाएगा बच्चे एक ये लाइन, तो ये चला गया ना मेरे बच्चे। तो ग्राफ जो है वो पैरेलल जा रहा है किसके, एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस, किसी के भी वो पैरेलल हो सकता है, ठीक है मेरे बच्चे। तो ग्राफ किससे पास हो गया, फाइव से, क्योंकि बार बार कॉन्स्टेंट एक ही तो वैल्यू आ रही है फाइव, चाहे आप कोई भी वैल्यू रख लो, ठीक है जी। तो जरा देखिए मेरे बच्चे, तो जो डोमेन होता है, जो डोमेन होता है किसका मेरे बच्चे, कॉन्स्टेंट फंक्शन का, ऑलवेज क्या होता है रियल नंबर, और जो रेंज होती है वो ऑलवेज क्या होती है मेरे बच्चे, कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म जो भी होगी वो, कोई भी अगर कॉन्स्टेंट टर्म, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे, दैट्स क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए अब देखो जो इसका ग्राफ बन रहा होगा ना, इसका जो एरो डायग्राम बन रहा होगा ना, वो ऐसा बन रहा होगा, जैसे मैं बात करूं इस बार फाइव ऐसे था है ना, और अगर हम बात करें फाइव और फाइव था सपोज करो इसमें, या इस तरफ जो ना, इस तरफ भी रियल नंबर, इस तरफ भी रियल नंबर, क्योंकि एफ सच दैट आर टू आर था ना, तो डोमेन भी रियल नंबर, तो ये क्या थी माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, बहुत सारे नंबर जो भी थे, ठीक है। यहाँ भी क्या थे, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फिर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, ये होते बच्चे, और यहाँ पर क्या था फाइव। तो देखो ना, हर फोर भी क्या बना रहा है फाइव के साथ, ये भी 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 फाइव के साथ, ये फाइव। तो इस तरीके से इस फंक्शन का क्या आ रहा है डायग्राम, जो मतलब एरो डायग्राम जो आ रहा है वो इस तरीके से इसका बन रहा होगा, ठीक है मेरे बच्चे। अब देखो इसके अंदर अगर मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, यहाँ पर बहुत सारी डोमेन्स है ना, और उनकी एक ही तो इमेज आ रही है, तो आप इसको एक चीज और कह सकते हैं, मैनी वन फंक्शन, क्या बोल सकते हैं इसे आप, मैनी वन फंक्शन, कि बहुत सारे डोमेन की जब एक ही इमेज होती है उसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन, ठीक है मेरे बच्चे। तो इन चीजों को भी याद रखना, ये चीजें हमारे पास ट्वेल्थ में काम आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर इस फंक्शन का समझ में आ गया बच्चे, कि अगर कोई भी फंक्शन है एफ सच दैट आर टू आर है, तो उसका जो हमारे पास जो ये आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया बच्चे, ग्राफ ऑफ किसका मेरे बच्चे, कॉन्स्टेंट फंक्शन का, किसका, कॉन्स्टेंट फंक्शन का, जो ऑलवेज जो ग्राफ होगा या तो वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के या वो पैरेलल होगा वाई एक्सिस के। तो कॉन्स्टेंट फंक्शन की डोमेन क्या होती है, ऑलवेज रियल नंबर, और रेंज क्या होती है, वो जो भी कॉन्स्टेंट होगा, दैट्स क्लियर। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बच्चे बेटा अब हम नंबर थर्ड फंक्शन देखते हैं। नंबर थर्ड हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है बच्चे, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब वो पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, आपको बता के आ चुका हूं, क्लास टेंथ में भी आप सीख के आ चुके हो मेरे बच्चे कि पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है कैसा नहीं होता है, ये भी आप क्लास टेंथ में अच्छे से बहुत अच्छे से सीख के आ चुके हो। अब देखो जैसे मैं आपसे बोलूं f सच दैट r टू r, मतलब जो डोमेन है वो r है, और जो रेंज जो लाई कर रही होगी वो भी कोई रियल नंबर के अंदर ही लाई कर रही होगी, ठीक है ना, क्योंकि हम सारे के सारे कैसे ले रहे हैं, रियल फंक्शन ले रहे हैं, रियल फंक्शन आपको बता के आ चुका हूं कौन से होते हैं। अब जरा बच्चे समझना, मैंने क्या कोई भी मेरे पास एफ एक्स इजिकल टू कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो मैं से ये भी तो कह सकता हूँ वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ले लिया मैंने कोई फंक्शन। देखो पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, अब समझना बच्चे बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये रहा मेरे पास बच्चे, दैट्स क्लियर, ये आ गया मेरे पास, ये आया, दैट्स क्लियर। तो ये एक्स, ये वाई, ये जीरो, तो जीरो आ रहा है, वैल्यू रख रहे हो, ठीक है बच्चे, वन तो वन आ रहा है, टू तो टू रख रहे हो, अच्छा माइनस वन रखना बच्चे तो कितना आ रहा है, वन आ रहा है, माइनस टू रखना बच्चे तो कितना आ रहा है, फोर आ रहा है, और यहाँ पे टू रख रहे हो तो फोर आ रहा है, दैट्स क्लियर बच्चे। और अगर आप थ्री रख रहे हो तो कितना आ रहा है, नाइन, और माइनस थ्री रख रहे हो तो बच्चे कितना आ रहा है, नाइन, दैट्स क्लियर, आ गया मेरे बच्चे बात समझ में। अब जरा बहुत ध्यान से आगे की बात करते हैं हम कि भाई अब हम इसका क्या बनाते हैं, पहले इसका ग्राफ बनाते हैं फिर आगे की बात करेंगे इसकी, कि भाई हमने इसका ग्राफ बनाया ये रहा हमारे पास, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। चलिए आगे बात करते हैं, अब बड़े ध्यान से समझना, तो जीरो, वन,
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, ये कितना आगे बचे, वन ये टू ये थ्री ये फोर फाइव सिक्स सेवन, ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। क्या पॉइंट्स आ रहे हैं आपके, जीरो पे जीरो, वन पे वन, जीरो पे जीरो, वन पे वन, माइनस वन पे भी वन, टू पे फोर, माइनस टू पे भी फोर, ये तो आ रहा है मेरे बच्चे, थ्री पे नाइन और माइनस थ्री पे भी नाइन, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। अब समझना कैसा फंक्शन का ग्राफ बन रहा है, कि इस फंक्शन का जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ इस टाइप का ग्राफ बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा मेरे बच्चे, किसकी शेप में, थोड़ा सा जो बन रहा है मेरा बच्चे पैराबोलिक शेप में बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा। अब समझना बड़े ध्यान से, ये हो गया इसका ग्राफ, जरूरी ग्राफ हर बार पैराबोलिक आएगा, जो बताया था मैंने आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आता है, और जो हमारा कॉन्स्टेंट फंक्शन का ग्राफ है वो या तो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के, इनमें से किसी के भी आ सकता है, बट जो हमारा पॉलीनोमियल का ग्राफ है वो कैसा भी आ सकता है, वो ऐसा भी आ सकता है, वो मेरे बच्चे ऐसा भी आ सकता है, बड़े ध्यान से समझना, वो मेरे बच्चे ऐसा भी आ सकता है, वो मेरे बच्चे कैसा भी, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है मेरे बच्चे, इनमें से कैसा भी ग्राफ हो सकता है किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का, बट बात करते हैं मेन कि इनकी डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, वो अलग अलग देखते हैं मेरे बच्चे। जैसे हम बात करते हैं कि जो डोमेन होती है, आप एक्स की सारी वैल्यू एंटर कर सकते हो, नहीं कर सकते इसके अंदर, तो जो डोमेन होती है वो ऑलवेज क्या होती है, इसकी आर होती है, किसकी, पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो उसकी डोमेन ऑलवेज आर होती है, रियल नंबर होती है उसकी डोमेन, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। आगे वर्षन में आगे की बात करते हैं, अब समझना बच्चे बहुत ध्यान से, रेंज की बात कर रहे हैं, अगर हम इसी फंक्शन की रेंज की बात करेंगे ना, तो देखो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर है, जीरो रख रहे तो जीरो, वन रख रहे तो वन, टू रख रहे तो फोर, माइनस वन रख रहे तो वन, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं ना। अगर इसी फंक्शन की बात करूं तो रेंज क्या आ रही है मेरे बच्चे, कैसे नंबर आ रहे हैं, जो रेंज आ रही है मेरे बच्चे वो कैसी आ रही है, रियल पॉजिटिव नंबर्स, रियल और कैसे, पॉजिटिव नंबर्स, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे, ये आ रही है रेंज। बट अगर फंक्शन चेंज हो जाए, बट अगर फंक्शन हो जाए x की पावर थ्री हो जाए, ठीक है मेरे बच्चे, तो देखना इस फंक्शन में आप डोमेन सारी वैल्यू रख सकते हो, आर की आर रख सकते हो, तो इसलिए जो डोमेन होती है ऑलवेज पॉलिनोमियल फंक्शन की, वो ऑलवेज क्या होती है, रियल नंबर, ये चीज तो आप याद रखना, चाहे कोई सा भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, बट जो रेंज होती है वो चेंज हो सकती, चेंज हो जाती है, और रेंज जो होती है आप ये चीज जानते हो कि जो रेंज होगी वो ऑलवेज सबसेट होगी किसकी, रियल नंबर की, या तो रियल नंबर भी हो सकती है या उसके सबसेट हो सकती है, या आप ये भी कह सकते हो कि जो रेंज होगी पॉलिनोमियल फंक्शन की वो उसके सबसेट होगी या इक्वल होगी किसकी, रियल नंबर की, किसकी, कौन से फंक्शन की, पॉलिनोमियल फंक्शन की। अब अगर मैं ऐसी इसकी बात करूं बच्चे कि मेरे पास एक फंक्शन था fx = x³, इसकी डोमेन तो आर है बट इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी, अगर देखना बच्चे इसकी रेंज क्या होगी, इसकी जो रेंज होगी बच्चे वो कभी क्या रहेगी, आर, क्यों, चाहे पॉजिटिव नंबर रखो चाहे नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव रख रहे तो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है मेरे बच्चे, तो इसलिए रेंज क्या है इसकी, आर। अगर मैं अभी आपसे बोल देता भाई मेरे पास कोई फंक्शन है, क्या है मेरे पास कोई फंक्शन है fx = x⁴, तो बच्चे यहां पर फिर आपको निकाल के, तो बच्चे निकाल के देखनी पड़ती है कि क्या आ रही है या क्या नहीं आ रही है, तो ज्यादातर जो रेंज होती है वो या तो ऑल पॉजिटिव नंबर्स आती है या सारे के सारे रियल नंबर्स, ये सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, तो कुछ भी आ सकती है रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, बट जो डोमेन होती है पॉलिनोमियल फंक्शन की वो ऑलवेज एक रियल नंबर ही होती है, चीज याद रखना, ठीक है मेरे बच्चे। तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन ग्राफ होता है वो ऑलवेज कर्व शेप में होता है, वो कैसा भी हो सकता, ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बच्चे बेटा अब हम नेक्स्ट टाइप का फंक्शन देखते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चे नेक्स्ट, बड़े ध्यान से समझना, नंबर नेक्स्ट है बच्चे हमारा नंबर फोर, रेशनल फंक्शन। चलिए बच्चे रेशनल फंक्शन कौन से होते हैं कौन से नहीं, वो चीज समझना बच्चे बड़े ध्यान से, रेशनल नंबर कौन से होते हैं, एक ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं वही तो रेशनल फंक्शन होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, तो रेशनल फंक्शंस कौन से होते हैं, ऐसे फंक्शंस जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, मतलब अगर दो फंक्शन है और वो दो फंक्शन किस में है, फ्रैक्शन में, उन्हें को हम बोलते हैं रेशनल फंक्शन। जैसे मैंने बोला y = कोई फंक्शन है fx / gx, मतलब अपॉन में जो भी हो सकते हैं, या बच्चे मैंने बोल दिया कि भाई मेरे पास कोई फंक्शन है
एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स, तो वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे? या मैंने बोला वाई इज इक्वल टू, आपके पास सीधा बोल दिया मैंने, वाई इज इक्वल टू क्या है, वन बाई एक्स, देखो ना अपॉन में वन बाई एक्स है ना, दो अलग अलग फंक्शन है, ऊपर भी एक फंक्शन है नीचे भी क्या है, ऊपर कॉन्स्टेंट फंक्शन है नीचे भी कोई वेरिएबल का फंक्शन है नहीं है बच्चे? तो दीज टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज रेशनल फंक्शंस, वो फंक्शंस जो किसकी फॉर्म में होते हैं, एफ एक्स बाई जी एक्स की फॉर्म में होते हैं, दीज टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज रेशनल फंक्शंस, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे? अब समझो, अब बड़े बात करते हैं, तो पहले हम इसका ग्राफ देखेंगे, फिर हम इनकी डोमेन देखेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम रेशनल फंक्शन लेंगे और उनका डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे, तो बड़े ध्यान से समझ लेना, फिर बता देता हूं बच्चे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। चलिए बच्चे, एक क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा आते हैं इस वाले टॉपिक के ऊपर। तो y इज इक्वल टू हमने लिया कोई फंक्शन लिया 1 बाई एक्स, तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ सीखते हैं। चलिए बच्चे, हम बना रहे हैं इसकी पहले क्या एक कोऑर्डिनेट टेबल। चलिए बच्चे, बड़े ध्यान से समझना बच्चे, बहुत ध्यान से, ये क्या है x, ये क्या है y, ठीक है जी। चलिए, हमने रखा बच्चे माइनस वन, रखा बच्चे, ये पहले x की जगह रखा बच्चे मैंने जीरो, देखना बच्चे बड़े ध्यान से जीरो, अब जीरो रख ही नहीं सकता क्योंकि अगर मैं यहां पर जीरो रख दूं वन बाई जीरो नॉट डिफाइंड, तो नहीं रख सकता, तो जीरो तो रख नहीं सकता। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते, ये भी अभी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। चलिए बच्चे, अब पहले मैंने रखा वन तो क्या आया वन, फिर बच्चे मैंने रखा टू तो क्या आया बच्चे जीरो पॉइंट फाइव, आया नहीं आया वन बाई टू जीरो पॉइंट फाइव, फिर मैंने रखा थ्री तो वन बाई थ्री कितना है बच्चे जीरो पॉइंट नाइन, ठीक है बच्चे, फिर मैंने रखा फोर तो कितना है बच्चे फोर, फोर रख रहा हूं मैं, कितना आया वन बाई फोर कितना है बच्चे जीरो पॉइंट टू, ऐसे समथिंग आ जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे, जीरो पॉइंट नाइन या जीरो पॉइंट वट है वन बाई फोर, वन बाई फोर देखना कितना है बच्चे वन बाई फोर, अगर आप कर फोर, चलिए बच्चे कितना है 1 बाई फोर है बच्चे 0.25, ऐसे अगर आप 1 बाई फाइव करोगे तो कितना आएगा बच्चे 1 बाई फाइव आपका आ जाएगा 0. ये आपका आ जाएगा बच्चे, अगर आपने x की वैल्यू 5 रख दी तो बच्चे ये कितना आएगा 0.2, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे? ऐसे हम आगे अगर रखते चले जाते हैं, या अब अगर हम नंबर को क्या कर देते हैं, ऐसे हम इधर रखते चल रहे बच्चे, ठीक है, और अगर ऐसे ही हम नंबर को अगर बढ़ा दें, अभी हमने 0, 1, 2, 3, और अगर अभी हम नंबर को छोटा कर दें, अगर मैं यहाँ रख दू 0.1, क्या रख दू बच्चे 0.1, छोटा कर दिया ना मैंने नंबर को, तो 1 अपॉन में 0.1 कितना है बच्चे जरा बताना 10, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे, और अगर मैं यहाँ पर रख दू 0.2 तो कितना है 20, अगर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ तो, दैट्स क्लियर। अब समझना बच्चे बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, अब अगर मैं माइनस के नंबर रख दू तो, अगर बच्चे मैं माइनस के नंबर रख दू माइनस वन तो माइनस वन, दैट्स क्लियर, माइनस टू तो माइनस के 0.5, दैट्स क्लियर, आ गया बच्चे। तो इस हिसाब से जब आप बहुत लंबी टेबल बना लोगे, बहुत सारे नंबर्स आप लिख लोगे, तो जो ग्राफ होगा इस फंक्शन का वो कैसा आएगा बच्चे, बड़े ध्यान से समझना, बता रहा हूँ मैं आपको, अभी बता रहा हूँ बच्चे, बड़े ध्यान से समझना, ये कितना है यहाँ पर वन, ये कितना है टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट, ये माइनस वन, ये माइनस टू, ये माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, ठीक है बच्चे। वन पे कितना आ रहा है, वन ही आ रहा है, ठीक है भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है, वन पे वन आपका आ गया, दैट्स क्लियर। टू रखा आपने तो 0.5 ना, टू रखा तो 0.5 तो मतलब वन का आधा हो जाएगा 0.5, थ्री रखे तो 0.9, और ज्यादा छोटा और ज्यादा छोटा और ज्यादा छोटा और ज्यादा छोटा, जब आप छोटा नंबर रख रहे हो, जैसे आपने रखा बच्चे 0.1 तो 10, तो 0.1 तो यहाँ पर आया होगा ना कहीं, तो कितना आ रहा है, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है 10, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। तो इस हिसाब से तो इसका जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का ग्राफ आता है मेरे बच्चे, वो इस टाइप का ग्राफ आता है, कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है, किसका किसका मेरे बच्चे, इस टाइप का ग्राफ होता है कुछ, और जब आप नेगेटिव नंबर रखोगे तो यहां पर मेरे पास प्लेसेस आ जाएंगी, तो इस टाइप का ग्राफ मतलब दो क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ बनता है, दो क्वाड्रेंट तो ऐसा कुछ इसका ग्राफ बनेगा बच्चे, दिस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे, इस टाइप से ग्राफ बनेगा कुछ इसका, ठीक है जी। तो इस टाइप का ग्राफ बनता है मेरा किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का, दैट्स क्लियर। अब आगे बात करें, जब आप खुद इसकी वैल्यू रखोगे, जब उनको ज्वाइन करोगे, खुद आपका ऐसा ही आएगा, ये चीज ध्यान रख लेना मेरे बच्चे, ठीक है जी। अब हम आगे बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं डोमेन की। चलिए मेरे बच्चे, आपने सारे नंबर रखे थे बट जीरो नहीं रखा, तो डोमेन क्या आया था,
आर माइनस जीरो, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। रेंज, रेंज क्या आनी थी मेरे बच्चे, आप कुछ भी रख लो यहाँ पर, क्या ये ग्राफ जीरो बाई जीरो को टच कर रहा था, नहीं कर रहा था, तो रेंज भी क्या आनी थी मेरे बच्चे, आर माइनस जीरो। अब समझना बच्चे, मैं डोमेन और रेंज आपको निकालना सिखा रहा हूं, कैसे निकालते हैं बड़े ध्यान से समझना। अभी आपके पास क्या था, वाई इजिकल टू वन बाई एक्स था ना, अगर आपको डोमेन निकालने, तो जो डोमेन होती है, डोमेन कैसे निकालते हैं, जो भी डिनोमिनेटर होता है, जो भी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कौन है बच्चे यहाँ पर, जी एक्स, तो आप ऑलवेज लिखेंगे जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो मतलब एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्स क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, हो सकता है, तो डोमेन क्या ही बच्चे, आप ऑटोमेटिकली रियल नंबर में से क्या माइनस हो जाएगा, जीरो, दैट्स क्लियर। आगे मेरे बच्चे निकालनी, आगे बात करते हैं, अभी रेंज की बात करते हैं, वाई इजिकल टू कितना था, वन बाई एक्स ना, इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इजिकल टू कितना आ गया, वन बाई वाई, इन टर्म्स ऑफ आपने वाई बना लिया, अभी और भी फंक्शंस लूंगा समझना, तो यहाँ भी आप क्या कह सकते हो, वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता, तो यहाँ भी क्या हो गया, रेंज भी, और रेंज किसकी वैल्यू होती है, वाई की ना, तो क्या रही है, रेंज इज इक्वल टू आर माइनस जीरो, दैट्स क्लियर बच्चे। बेटा अब हमारे पास आ गया जो रेंज है, वो हमारे पास आ गई आर माइनस जीरो। अब समझो भाई बड़े ध्यान से कि भाई अगर कोई भी फंक्शन है वो फ्रैक्शन में है तो हम उसको कौन सा बोलेंगे, रेशनल फंक्शन बोलेंगे। अगर वो रेशनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर ऑलवेज हम कैसे निकालते हैं, भाई हम पहले क्या कर लेते हैं, जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इस डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं हो सकता, जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, तो उसकी हेल्प से हम किसी भी फंक्शन की क्या निकाल सकते हैं बच्चे, किसी भी फंक्शन का हम डोमेन निकाल सकते हैं। तो जरा अभी इसको लिख लीजिए, अभी हम कुछ टाइप्स के और फंक्शन लेते हैं, फिर उसके हम डोमेन और रेंज निकालना सीखते हैं। तो बच्चे पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बच्चे, बेटा अब हम कुछ और टाइप्स के फंक्शंस लेते हैं, जैसे हमने लिया बच्चे y इज इक्वल टू x अपॉन में x प्लस वन, ये हमने कोई फंक्शन लिया, ठीक है बच्चे। अब ये जो हमारे पास फंक्शन है, अब हम इसकी डोमेन और क्या निकाल रहे हैं, रेंज निकाल रहे हैं। पहले ये देखेंगे कौन सा फंक्शन है मेरे बच्चे, रेशनल फंक्शन है नहीं है, तो मैंने आपको बताया अगर रेशनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो x इज नॉट इक्वल टू बच्चे प्लस का वैल्यू जाके क्या हो जाएगा, माइनस वन, तो x इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, तो बच्चे x जो है वो किसके इक्वल है, माइनस वन के इक्वल नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो डोमेन क्या हो गया मेरे बच्चे, r माइनस माइनस वन, के माइनस वन को छोड़ के बाकी सारे के सारे रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं। डोमेन निकालना आ गया मेरे बच्चे, अब हम रेंज निकालना सीख रहे हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया, y इज इक्वल टू x अपॉन में x प्लस वन, बता नहीं बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, y इज इक्वल टू में x प्लस वन इज इक्वल टू x, ठीक है बच्चे। आगे बात समझ में, अब जरा कितना है, वाई एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू एक्स हो गया जी, तो वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चे, वाई इधर आ गया तो एक्स माइनस वाई एक्स आया, नहीं आया बच्चे, यहां से कॉमन बताओ जरा कितना आ रहा, एक्स आया, अंदर कितना बच गया, वाई माइनस वन बच गया, नहीं बच गया बच्चे, तो एक्स इज इक्वल टू आपके पास प्रॉपर कितना आ गया, वाई अपॉन में वन माइनस के वाई। तो बच्चे मैंने क्या किया यहां से कि मैंने वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स बना दिया, मतलब या एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई आप कैसे भी बना सकते हो, उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां से एक्स की वैल्यू निकाल ली प्रॉपर, दैट्स क्लियर बच्चे। अब ये भी डिनोमिनेटर में, तो वन माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो वन वाई इज नॉट इक्वल टू किसके मेरे बच्चे, वन के, तो y कुछ भी हो सकता बट क्या नहीं हो सकता, वन नहीं हो सकता, तो जो रेंज आएगी फंक्शन की वो क्या होगी, r माइनस वन, मतलब r माइनस वन का मतलब क्या होता है कि r में से वन को माइनस कर देंगे बाकी सारे के सारे क्या होगी, रेंज होगी। r माइनस माइनस वन का मतलब क्या कि r में से माइनस वन को माइनस कर देंगे बाकी सारे की सारी क्या होगी, रेंज होगी, ठीक है मेरे बच्चे, वो सॉरी डोमेन होगी। तो इस टाइप से आप किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं जब वो फंक्शन किसकी फॉर्म में होगा, रेशनल फंक्शन की फॉर्म में होगा, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। अभी हम कुछ और लेते हैं फंक्शंस, जरा बड़े ध्यान से समझना बच्चे। मैंने फंक्शन लिया वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, बताओ कौन सा फंक्शन है, पॉलीनोमियल फंक्शन है बच्चे, कौन सा फंक्शन है, पॉलीनोमियल फंक्शन है, पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे, बात समझ में आ गई। चलिए अब पॉलीनोमियल फंक्शन है तो x की कितनी वैल्यू आप इसमें रख सकते हो, सारी सारी वैल्यू कुछ भी रख लो आप, सारी सारी रख सकते हो, तो डोमेन क्या हो गया मेरे बच्चे, r,
दैट्स क्लियर। और बड़ा आसान है डोमेन निकालना, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑलवेज रियल नंबर होता है। अब बात करें रेंज क्या होगा, जड़े समझना बच्चे बड़े ध्यान से। यहाँ पर आप क्या रख सकते हो, सारी पॉजिटिव वैल्यूज रख सकते हो, नहीं रख सकते। आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो ऑलवेज क्या आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या आएगा मेरे बच्चे, पॉजिटिव ही नंबर रहेगा, नहीं रहेगा पॉजिटिव नंबर रहेगा। अगर आप यहाँ पर जीरो रख रहे हो तो जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो प्लस वन क्या आएगा मेरे बच्चे, वन आएगा। तो रेंज क्या हो गई मेरे बच्चे, रेंज क्या हो गई, रेंज क्या होगी मेरे बच्चे, पॉजिटिव रियल नंबर क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, बट एक्सेप्ट क्या, जीरो, जीरो नहीं होगा, बाकी सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, क्योंकि जीरो यहाँ किसी भी केस में नहीं आ सकता। तो बच्चे कुछ जो ना हमारे को अपने आप से ही देखने पड़ते हैं, महसूस करना पड़ता है कि भाई ये हो सकता है या नहीं हो सकता, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। तो ये कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये कौन से फंक्शन है, रेशनल फंक्शन। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन की क्या निकाल सकते हैं, डोमेन निकाल सकते हैं और रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। तो हम आगे की बात करते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए इन क्वेश्चंस को, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।